फरीदाबाद में रोडवेज फ्लाइंग टीम द्वारा विकलांग छात्रा के साथ दुर्व्यवहार करने तथा बीच सड़क पर उतारने का मामला सामने आया। रोडवेज फ्लाइंग टीम ने मौके पर दुर्गा शक्ति टीम को बुलाया और टीम के आगे रोती और बिलखती नजर आई विकलांग छात्रा। फतेहाबाद के गांव गोरखपुर से सिरसा परीक्षा देने के लिए जा रही थी छात्रा सुनीता। सुनीता के पास बस पास था और अंतिम तिथि पूरी हो जाने के कारण और परीक्षा के चलते हुए कॉलेज प्रबंधन की ओर से बस पास पर एक मोहर लगाकर उसे मान्य किया गया था, लेकिन रोडवेज की फ्लाइंग टीम ने इसे पूरे दस्तावेज नहीं माने। एक फिर से दिव्यांग छात्रा को फतेहाबाद के हिसार रोड पर बीच सड़क पर उतार दिया गया। जब रोडवेज जीएम से इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, वे एक शब्द भी नहीं बोले। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। हमला था जी, किसी महिला की सच्चाई आज सामने आ जानी चाहिए। लेडीज को अंतिम नहीं करा आज थाने में चलने। क्या पूरा मामला था जी, किस लिए आपने बताया? मामला ये था जी, मैं जो रोडवेज बस पर थी। अच्छा, हाँ जी, रोडवेज बस थी। मेरे पास जो स्लिप थी वो स्लिप क्या थी, मेरे पास पास था उसकी डेट टिपरी थी। अच्छा, बाद में मेरे प्रोफेसर ने मुझे उसके ऊपर प्रिंसिपल का साइन था 29 तारीख को, 8वें महीने की 7वें महीने 29 तारीख को मुझे याद नहीं थी जी स्लिप। भाई आपका 29 तारीख का पेपर खत्म है, 1 महीने तक कोई पास नहीं पढ़ने वाला है, इसलिए अभी मुझे फ्लाइंग मिली है। ये यह बात कह रहे थे, या तो मुझे 500 रुपया दो या मुझे दुर्गा शक्ति वाले को बुला रहे हैं। अच्छा, बस तो आपको बीच में उतार दिया? हाँ जी, मुझे बीच में उतार दिया ऐसे कह के जी, धमकी भी लगाई जी, बोले या तो मुझे 500 रुपया दो या दुर्गा शक्ति वाले को बुला। तो आपका कोई पेपर वगैरह भी था? हाँ जी, मेरा पेपर वगैरह आज जेबीटी का आईसीटी का जी। कहाँ जी? सिरसा जी। और आप कहाँ से चढ़े थे और कहाँ? मैं गोरखपुर से चढ़ी हूँ जी। अच्छा, और फतेहाबाद एंट्री कर दे कर उतार दी मुझे। तो विकलांग हो आप? हाँ जी, विकलांग हूँ जी, 100% विकलांग हूँ जी। पेपर किस टाइम है जी आपका? पेपर है मेरा अभी 10-11 बजे जी। तो अब तो टाइम निकल गया आपका? हाँ, टाइम निकल गया, वो आप फ्लाइंग वाले देखेंगे। जो क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुनीता जी। तो आपकी क्या मांग है जी, क्या कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह रोडवेज कर्मचारी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया? और रोडवेज कर्मचारी ने ऐसे भी दुर्व्यवहार किया जिसके मेरे पास स्लिप थी जी। दूसरी बात, मैं एक विकलांग हूँ, विकलांग है तो वैसे भी बवाद बोले सब कुछ माफ है जी। तो प्रधानमंत्री योजना के तहत मेरे लिए क्या कुछ किया जी, मेरे लिए एक बेइज्जती का बवाद इंसल्ट का काम कराया। तो आपको कहाँ उतारा गया इन्होंने? मुझे जो फतेहाबाद में एंट्री की है जी, सड़क पे उतारा है? हाँ जी, सड़क पे उतारा है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता जी। था जी, महिला को बस से क्यों उतारा? मामला ये था कि मैं भी महिला के साथ एक सफर कर रहा था और महिला का आज एग्जाम भी था और दूसरे नंबर पर महिला विकलांग थी। विकलांग होने के बाद और फ्लाइंग वाले मिलते हैं और महिला ने रिक्वेस्ट की उनसे कि आज मेरा सर एग्जाम भी है और बाई हैंड उनका पास भी था, खुद मैंने मोड़ देखी थी। पास होने के बावजूद वो बेबस थी महिला और सर सर उसका एग्जाम था, फिर भी उन्होंने कुछ रहमत नहीं की। पूरी गुंडागर्दी के साथ फ्लाइंग ने, आज पूरी गुंडागर्दी के साथ फ्लाइंग ने महिला को, विकलांग महिला को नीचे उतार दिया। फिर कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो कहाँ रही है बेटी का? तो आप उसी बस में मौजूद थे? हाँ, मैं सर उसी में वो था, मैं सफर कर रहा था महिला के साथ और मेरा भी दिल आज सर कांप उठा इस देख को देख के। तो क्या कहते हैं, बस कहाँ से आई थी और कहाँ जानी थी? सर ये गोरखपुर से आई थी बस। अच्छा, और फतेहाबाद बस स्टैंड जानी थी सर। तो कहाँ ये पूरा घटनाक्रम हुआ? ये सर कोर्ट के बिल्कुल सामने सर। तो क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप? कार्रवाई की सर, इनके खिलाफ जो गुंडा कर दिया सर, एक विकलांग होने के बाद उनके साथ कुछ अच्छा होना चाहिए। और दूसरी बात कहने ना, एक बेटी बचाओ बेटी, वो कहाँ रहा है सर? कुछ नहीं रहा सर, बेटी बचाओ किस साइड रहा? और हालांकि आज उनका एग्जाम था तो वंचित रह गया एग्जाम से। हाँ जी, आज वंचित है क्योंकि